हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 8 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सो क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस लिखे हैं उनका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए वो होता है प्रोडक्ट। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ए स्क्वायर इंटू 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26। नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 2 8। और यहां देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ ए की पावर 22 है, यहाँ ए की पावर 26 है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ए की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 26 प्लस 22 एंड 2, 6 6 2 8 8 2 10, कैरी आया 150, तो ये हो जाएगा a की पावर 50। दिस इज द आंसर। नाउ सेकेंड में है 2/3xy इंटू -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ 2/3 है, मैं लिख देती हूँ 2/3 इंटू -9/10, इनका मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद वेरिएबल का, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा। अब चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो -9 और 2, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है, बट उससे पहले ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 3 3 3 9, 2 1 2 2 5 10, सिंप्लीफाई हो गया। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 3 1 3, बट यहाँ माइनस भी है तो -3 एंड 5 1 5। एक्स इंटू एक्स होगा एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, देन वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब होगा, तो इसका आंसर आएगा -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, -10/3 पी क्यू क्यूब, ये पहला एक्सप्रेशन है, और दूसरा एक्सप्रेशन 6/5 पी क्यूब क्यूब। चलिए नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो -10/3 इंटू 6/5, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, देन पी इंटू पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब इंटू क्यूब। अब चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए अगर हो रहा है तो यहाँ पे हो रहा है 3 1 3 3 2 6, 5 1 5 5 2 10, हो गया सिंप्लीफाई। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, तो -2 × 2 -4, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 × 1 1 होगा, ठीक है, तो डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ -4 होगा, एंड p × p की पावर 4 होगा, क्यू क्यूब इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 4। दिस इज योर आंसर। देन लास्ट पार्ट, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4। यहां पे एक्स की पावर 1 है, तो देखिए सबका बेस सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा x की पावर 1 + 2 + 3 + 4, सो x की पावर 4 3 7 7 2 9 9 1 10, x की पावर 10। दिस इज द आंसर। ओके,
स्टूडेंट्स आपके क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।